हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग? हाई होप सब बढ़िया होंगे। आज मैं आपको कलीदार लहंगे में बहुत सुंदर लहंगे की सिलाई बताऊंगी, डिजाइन में। ये मैंने 7.5 मीटर कपड़ा लिया है, 16 कलियाँ काटी है, 4 मीटर की तो मैंने कलियाँ बनाई है और 1.5 मीटर का मैंने पट्टा निकाला है। फिर 1.5 मीटर का 2 पट्टे लगाएंगे इसके ऊपर। ये कलियों की सिलाई कर लेंगे पहले अपन। सारी कलियों को ऐसे एक दूसरे पर रख के और सिलाई करेंगे। ऐसे सिलाई कर लेंगे इसकी। ये कलियों के ऊपर लेस भी लगाएंगे इन पे। सारी कलियों पे ऐसे लेस लगा लेंगे अपन। सारे कलियों पे ऐसे लेस लगेगी इनमें। ये नेफा लगाएंगे, इसको साइड में से फोल्ड कर लिए दोनों तरफ से ही। कलियों के लहंगे के लिए पहले नेफा तैयार करते हैं अपन। ये फोल्ड कर लेंगे नेफे को। फोल्ड करके सिलाई कर लेंगे अपन। ये नेफा तैयार हो गया अपना। अब नीचे ये पट्टा लगाएंगे अपन। अब इसकी सिलाई कर लेंगे, लंबाई में कम था इस। अब इसको फोल्ड करके और इसके नीचे रख दिया लेंगे के और ये सिलाई कर लेंगे। पट्टा लग के तैयार हो गया। अभी दूसरे कलर का भी ले लिया मैंने पट्टे लगाने के लिए। इसके नीचे रख दिया और ऐसे लेस रख दिए मैंने। ऐसे लगाएंगे दूसरे वाला। पूरी में ऐसे लेस लगा देंगे अपन। ये नेफे के ऊपर भी लेस लगा लेंगे अपन।
पे भी लेस लग गई है अपने, बन के तैयार हो गई। अभी लास्ट वाली कली थी उस पे भी लेस लगा देंगे अपन। अपना लहंगा पूरा तैयार हो गया ये। बहुत सुंदर लहंगा बन के तैयार हो अपना। देखिए आप लोग, मेरे चैनल पे नए हैं वो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। ये मेरे लहंगे में 6 मीटर का घेर हुआ है, इसमें बहुत सुंदर लहंगा बन के तैयार हुआ। आप भी देख के बनाए ऐसा लहंगा, इसकी लटकन भी देखिए, लटकन की डिजाइन भी देखिए इसमें लहंगे में। देखिए कितना सुंदर लहंगा बन के तैयार हुआ है ये। कुछ भी समझ में नहीं, कमेंट करके पूछे आप लोग। और आप भी देख के बनाना ऐसा। देखिए कितना सुंदर लहंगा बन के तैयार हुआ अपना ये।